अगर आप भी एक एयरटेल पेमेंट्स बैंक के AIPS रिटेलर्स हैं और आप अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के AIPS लॉगिन सेक्शंस में लॉगिन करने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपका जो पासवर्ड होता है यानी कि रिटेलर्स का जो पासवर्ड होता है लॉगिन आईडी पासवर्ड, वो पासवर्ड जो होता है एक्सपायर हो गया होता है। और ये डिपेंड करता है कि आप कुछ इंटरवल के बाद अपना पासवर्ड चेंज करते हैं या नहीं करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फाइनली आप उसको कैसे रिकवर करेंगे अपने पासवर्ड को, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक ऊपर जानने वाले हैं। और मैं बताऊंगा आपको फाइनली कि कैसे आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं और दूसरा पासवर्ड अपने लॉगिन आईडी में लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन डिजिटल बैंकर। तो चलिए इसके लिए हम चलते हैं अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के लॉगिन सेक्शंस में और वहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपने पासवर्ड को फिर से फॉरगेट करके आप पुनः लॉगिन कर सकते हैं अपने यूजर आईडी में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम अपने आ चुके हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के रिटेल लॉगिन सेक्शंस में। अब यहाँ पे मैं अपना लॉगिन नंबर एवं पासवर्ड डालता हूँ। तो चलिए हम इसके लिए लॉगिन वाले ऑप्शंस पर टैप करते हैं। अब जैसे ही मैं लॉगिन वाले ऑप्शंस पर टाइप करूंगा, मुझसे मेरा लॉगिन नंबर एवं पासवर्ड डालने को बोला जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना लॉगिन नंबर एवं पासवर्ड डाल लेता हूँ। अब जैसे ही मैं लॉगिन नंबर एवं पासवर्ड डालूंगा, उसके बाद से मैं लॉगिन वाले ऑप्शंस पर टाइप करूंगा, तो देखिए क्या लिख रहा है। चलिए मैंने लॉगिन वाले ऑप्शंस पर टाइप कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मुझे लिख रहा है यूजर इज ब्लॉक्ड, चूंकि मेरा पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉरगेट वाले ऑप्शंस पर टाइप करेंगे। तो जैसे ही हम फॉरगेट वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे, मुझसे फिर से मेरा लॉगिन नंबर डालने को बोला जाएगा। तो मैं लॉगिन नंबर फिर से डाल लेता हूँ। अब क्या करूँगा, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करूँगा। जनरेट ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करूँगा, मेरे लॉगिन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे मुझे एंटर करना होगा। तो चलिए मैं अपना ओटीपी एंटर कर लेता हूँ। अब OTP एंटर करने के बाद से यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि अपना पासवर्ड डालिए, नया पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हैं। तो चलिए मैं नया पासवर्ड जो है बना लेता हूँ। अब देखिए जो आपने नया पासवर्ड डाला है उसके नीचे फिर से कन्फर्म पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, उसको आपको कन्फर्म करना होगा। तो अब ये पूरा प्रोसेस आप जब कर लेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि योर पासवर्ड इज चेंज सक्सेसफुली फॉर बोथ योर मर्चेंट एंड रिटेलर पोर्टल। अब यहाँ पर आप ओके कर देंगे, अब आप नॉर्मल यूजर की तरफ आप अपना लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं और एयरटेल पेमेंट बैंक का सर्विस अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप भी अपना आईडी का पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन देखेगा उसको ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और आप मेरे वीडियो को देख पाए। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और एक नए अन्य वीडियो में नए अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।